नौजवानों, मेरा नाम मोहम्मद उसामा, ज़िला लकी मरत की विकी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। और एक इदारा है, एक कंपनी है जिसका नाम टैंज है, जिसने हमारे नौजवान तबका जो क्वेटा में अपनी डिग्रियों को आग लगा रहे हैं, इन डिग्रियों के बावजूद, इन बेरोज़गारी के बावजूद ये लोग रोज़गार के नाम पे, और ये जो इसके जो दफातर हैं फैसलाबाद में, मुल्तान में, लाहौर में, और इसके बाद पुल नगर कसूर में, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अजला में इनके दफ्तर हैं। लिहाजा ये धोखा देकर, इसका नाम टैंस है लेकिन जब ये किसी नौजवान से रब्ता करते हैं वो टैंस के नाम पर नहीं करता, वो यही बोलते हैं हमारा इदारा है, हमारा एक इदारा है, ये एक बहुत बड़ी लाइन पे काम कर रहे हैं, और इसका यही मकसद है कि मतलब गरीब और अखलाकी बंदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी खाली है। हालांकि ये एक फ्रॉड है, एक धोखा है, किसी गरीब और मजदूर, मेरे 4 महीनों के खून और पसीने की कमाई जो मैंने किया था, 12-12 घंटे मैं फैक्ट्री में काम करता रहा, मुझे फ़ोन आया, बोला एक इस तरह एक इदारा है, हमारे अफसर को, हमारे बॉस को मेहनती और बाखलाकी नौजवानों की ज़रूरत है। जहाँ पे मैं गया वहाँ पे उसने मेरे से 5,000 रुपये मतलब कि उसी वक्त मेरे से ले लिए, भैया आपका खर्चा है। 3 दिन हमें उसने ट्रेनिंग दिया और इसके बाद मोबाइल पर मुकम्मल पाबंदी, इसके बावजूद इसकी जो इदारा है उनका एक बंदा आपके साथ ही रहेगा, इसी तरह रहेगा ताकि हमारा फ्रॉड, हमारा धोखा, वो उर्दू का एक कहावत है कि दाल में कुछ काला काला होता है, उनको इस काले काले का खौफ और डर होता है कि कई ऐसे जो मकामी लोग हैं वो उनको ना बताएं या बाहर के लोग के कैसे रखते हैं आपको। हमें ऐसे ही रखता है कि सुबह से लेकर हमको एक अलहदा जगह पे, एक यानी जो न्यूज़ दोस्त होते हैं वो उसको एक अलहदा कमरे में रखते हैं, इसलिए कि इसको वो जो और न्यूज़ उसको एक अलग कमरे में रखते हैं इसलिए, और मोबाइल पर मुकम्मल पाबंदी होते हैं ताकि और लोगों से ये ना पूछे कि अगर आपने किसी को बताया कि मैं टाइम में हूँ, वो तो बोलेगा भाई ये तो फ्रॉड का एक दुनिया है, नेशनल मतलब कि आलमी तौर पे एक फ्रॉड और एक धोखा दे रहे हैं। और मैं किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं है, मैंने 14 दिन इसमें गुजारे हैं, मेरे 4 महीनों के खून पसाई, और यह हमारी कमाई, हाथ की कमाई, उन जालिमों ने फ्रॉड और धोखे के वास्ते से हमसे छीन लिया। लिहाजा जितने भी नौजवान हमारे भाई हैं, इसलिए मैं उसको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक दरख्वास्त है कि वो ज़रा तहकीक कर ले इस कंपनी का। अगर वो उनको पहली बार में ये बताए कि भाई आपने 7-5,000 रुपये भी लेके आना है, तो बराए मेहरबानी वो ना जाए। अगर वो चला गया तो उसके हाथ से 80,000 रुपये भी निकल गए और उसको एक रुपया भी नहीं मिलेगा, जब तक तब तक वो 4 और बंदों को ना बुलाए। ठीक है।